Welcome to SN Classes YouTube channel. For regular update, like and subscribe our channel. Hello students, good morning. आज आपको केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करूँगा और केमिकल काइनेटिक्स में आपने इसके पहले वाले वीडियो में देख चुका था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में. इसके पहले जीरो ऑर्डर बताया था, फिर फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बताया था और आज इसको कंप्लीट कर देंगे. हम लोग बोला था कि आपके सिलेबस में डिटेल्स में जो पढ़ना है वो जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर ही है. बट आपके अगर क्वेश्चंस कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चाहे सेकेंड ऑर्डर का हो, थर्ड ऑर्डर का हो, एंथ ऑर्डर का, किसी भी ऑर्डर का रहेगा, आप उस पर क्वेश्चन बना सकते हैं. तो इसलिए आज उसको हम आपका कंटिन्यू आगे सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, उसके रेफर एंथ ऑर्डर कर देंगे. तो सेकेंड ऑर्डर कर फिर एंथ ऑर्डर के बारे में कैसे इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट निकालेंगे और उसका हाफ लाइफ पीरियड के साथ क्या रिलेशन है वो बतला देता हूँ. ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करिए. चलिए आइए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए. सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन यहां पर आपको लेना होगा एन का वैल्यू 2, है ना. तो देखिए इसमें आप क्या करेंगे, एन का वैल्यू 2. चलिए अब सॉल्व करते हैं. देखिए जैसे पहले करते आ रहे थे जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर में, उसी तरह से आगे कंटिन्यू करता हूँ. जैसे आपने कोई रिएक्शन लिया ए कन्वर्टेड इंटू बी, तो यहाँ पर बताया था इनिशियली में एट टाइम इज इक्वल टू जीरो कंसंट्रेशन ऑफ ए सी नॉट और ये जीरो एंड कंसंट्रेशन एट टाइम टी ये हो जाता था आपका सी टी और ये बी टी इसका वैल्यू एक्स, तो ये कितना लेते थे सी नॉट माइनस एक्स. यहाँ तक देखा था. इसी का आप डिफरेंशियल रेट लॉ लिख दीजिए. डिफरेंशियल रेट लॉ, तो देखिए डिफरेंशियल रेट लॉ लिखिएगा तो लिखेंगे आर इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर आप लिख देंगे डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ये हो गया. और इसी को आप लिख सकते हैं आप रेट लॉ अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अब इसी को लिख दें रेट लॉ अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ठीक है, तो इस कंडीशन में आर इज इक्वल टू के सी पे पावर 2 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन या के कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर 2, ये लिख सकते हैं. दोनों इक्वेशन तो रेट को ही बता रहा है, ये फर्स्ट एंड सेकेंड. तो अब ऐसा कर सकता हूं मैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए दोनों तो रेट ही है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू के सी पे पावर 2. अब यहाँ देखिए वेरिएबल को एक साथ कर दीजिए, तो ऐसा भी लिख सकता हूँ डी सी बाई सी स्क्वायर इक्वल टू के इंटू डी टी. अब इसको आप इंटीग्रेशन कर दीजिए माइनस डी सी बाई डी सी बाई सी स्क्वायर इजकल टू के इंटू डी टी के इंटू डी टी. अब इसका देखिए कहाँ से कहाँ तक लिमिट लेंगे, इसमें टाइम था जीरो तो कंसेंट्रेशन सी नॉट, टाइम टी कंसेंट्रेशन सी टी हो गया. अब इसको आगे हमको इसका इंटीग्रेशन कर देना है, नोट कर लिए. फिर आगे तो बस वही मैथ, आगे तो सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गया. Okay.
ठीक है, चलिए आगे कर लिए। आगे तो सर मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो पहले जिस तरह से हम लोग करते आ रहे हैं, देखिए करिए इसको, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं माइनस सी नॉट सी टी सी पेपर माइनस टू डी सी इक्वल टू जीरो टी, और यहां पर के कांस्टेंट है इसको बाहर कर लीजिए डी टी। चलिए देखिए तब इसमें इसको आप ऐसा कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन में सी पे पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस टू प्लस वन, कहाँ से कहाँ तक, सी नॉट से सी टी तक, के टी जीरो से टी तक, ठीक है। अब इसको देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, ये क्या हो गया माइनस टू प्लस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन, ये प्लस वन हो गया, यहाँ तक प्लस वन आ गया, देख रहे हैं माइनस टू प्लस वन माइनस वन माइनस वन एंड माइनस प्लस हो गया, ऊपर कितना हो गया माइनस टू, तो इसको आप लिख सकते हैं देखिए वन बाई सी होगा, ये क्लियर है वन बाई सी एंड सी नॉट सी टी, समझ में ना कैसे हुआ, देखिए क्या हो गया ना माइनस टू प्लस वन कितना आ गया माइनस वन, माइनस वन एंड माइनस प्लस, ठीक है प्लस वन हो गया, ऊपर कितना हो गया माइनस वन, तो माइनस वन को सी पेपर माइनस वन को लिख सकते हैं वन बाई सी, वही लिखा हुआ इज इक्वल टू के टी माइनस जीरो, इसको आप लिख दीजिएगा फिर देखिए वन बाई सी टी कंसंट्रेशन एट टाइम टी माइनस वन बाई सी नॉट इजकल टू के टी, यही तो निकल गया आपका डिफरेंशियल रेट लॉ फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर इसी में हमको टाइम कहेगा निकालने के लिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो आप लिख सकते हैं टी इजकल टू वन बाई के वन बाई सी टी माइनस वन बाई सी नॉट, नहीं नोट कर लीजिए। ठीक है चलिए आगे आइए, अब इसी का हाफ लाइफ पीरियड मैं दिखा देता हूँ, इसी में हो जाएगा, इधर दिखा देता हूँ, ये अलग से निकालना है, चलिए अलग से दिखा देता हूँ हाफ लाइफ पीरियड। देखिए हाफ लाइफ पीरियड के लिए बताया था ना कि ओरिजिनल कंसंट्रेशन का हाफ होने में जितना टाइम लगता है वो उसका हाफ लाइफ पीरियड कहलाता है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन सी नॉट एंड कंसंट्रेशन एट टाइम टी कितना था सी टी, तो ये क्या हो गया सी टी का वैल्यू कितना होना चाहिए सी नॉट बाई सी टू, ओरिजिनल का हाफ होने में जितना टाइम लगता है, यहाँ पर देखिए आपको बताया था इस तरह से हाफ लाइफ पीरियड आ जाइए, हाफ लाइफ पीरियड सेकेंड ऑर्डर के लिए टी हाफ, समझिए इसमें क्या था इनिशियल कंसंट्रेशन है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन एट टी इजकल टू जीरो, ये क्या था जब टी का वैल्यू क्या था जीरो था, उसमें कंसंट्रेशन क्या था सी नॉट एंड टी इजकल टू टी, ये इसका फाइनल कंसंट्रेशन इन आया था, और ये वैल्यू क्या था सी टी, और इसका वैल्यू क्या होना चाहिए सी नॉट बाई सी टी, नहीं ओरिजिनल का आधा होने में यहाँ जो टाइम लगेगा कितना टाइम लग रहा था टी, ये जो टाइम लग रहा इसी टाइम को क्या बोलेंगे हाफ लाइफ पीरियड, देख रहे सी नॉट से सी नॉट बाई टू होने में जो टाइम लगता है वो उसका कहलाता है हाफ लाइफ पीरियड, तो चलिए अब पुट कर दीजिए देखिए इस वैल्यू में हाफ लाइफ पीरियड ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए वन बाई के है ना वन बाई सी टी के जगह क्या होगा सी नॉट बाई टू माइनस वन बाई सी नॉट, नहीं इसमें पुट करिए देखिए वैल्यू सी टी के जगह पर क्या सी नॉट बाई टू, हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू वन बाई के ये ऊपर चला गया टू बाई सी नॉट माइनस वन बाई सी नॉट, लिख सकता हूँ देयरफॉर हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू वन बाई के, देखिए यहाँ पर सी नॉट इसको बाहर निकाल दीजिए दोनों में सी नॉट यहाँ क्या बच गया टू माइनस वन, इसको लिख सकते हैं हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू वन बाई के सी नॉट,
ये तो निकल गया हाफ लाइफ पीरियड फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए तो सेकेंड ऑर्डर का रिलेशन क्या हो गया, हाफ लाइफ पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू इनिशियल कंसंट्रेशन। ये निकल गया ऐसे नोट करिए। अब इससे रिलेशन क्या देखना होगा आपको, जो यहाँ पर आया हुआ है इसको पहले नोट करिए, इसका रिलेशन आपको पता चलेगा कि क्या इसमें रिलेशन होना चाहिए, उससे आपको पता चल जाएगी आगे। ठीक है, चलिए इसको आगे प्रूफ भी करेंगे जो अभी बताएंगे। देखिए क्या आपको करना है, जैसे यहाँ पर आपका लिखा हाफ लाइफ पीरियड में आपको याद होना चाहिए हाफ लाइफ पीरियड का रिलेशन। देखिए तो आपको बताया था हाफ लाइफ पीरियड इजकल टू आता सी नॉट बाई टू के, याद था ये किसके लिए था, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं। फिर हाफ लाइफ पीरियड इजकल टू 0.693 अब बाई के, ये किसके लिए था, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और अभी फिर निकाल रहे हैं हाफ लाइफ पीरियड जो निकाला क्या हो गया आपका, देखिए यहाँ पर 1/k इंटू सी नॉट, ये निकाल गया फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इन तीनों में देखिए ये फर्स्ट जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, इस तरह से रहेगा। तो हाफ लाइफ पीरियड का एक जनरलाइज फॉर्म क्या बोल सकता हूँ, यहाँ देखिए तो क्या रिलेशन बता रहा है, हाफ लाइफ पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इनिशियल कंसंट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, यहाँ कंसंट्रेशन टर्म आया ही नहीं इनिशियल कंसंट्रेशन। इसमें फिर देखिए हाफ लाइफ पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन। देख रहे कंसंट्रेशन के साथ इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ हाफ लाइफ पीरियड का जो रिलेशन है, जीरो ऑर्डर में डायरेक्टली का, फर्स्ट ऑर्डर में इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, सेकेंड ऑर्डर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। देखिए रिलेशन क्या है इस तरह, तो एक जनरलाइज फॉर्म क्या करेंगे, देखिए क्या हम लिख सकते हैं, क्या समझ सकता हूँ, हाफ लाइफ पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1/c0n-1, क्या ये लिख सकता हूँ, देखिए तो सी नॉट पावर एन माइनस वन, देखिए तो इस पर सेट करते होता है सब, यही आपका जनरलाइज फॉर्म हो गया। और ये आगे प्रूफ भी करेंगे, देखिए तो अगर हम जीरो ऑर्डर लेते हैं तो जीरो ऑर्डर तो एन का वैल्यू जीरो हो गया, तो सी नॉट पावर माइनस वन, तो सी नॉट पावर माइनस वन का मतलब क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शन। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर लेते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर लेते हैं तो क्या हो जाए, एन वन माइनस वन जीरो, तो जीरो हो गया मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। सेकेंड ऑर्डर हो गया तो 2-1, तो क्या हो गया 2-1 1/c0, मतलब हाफ लाइफ पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू कंसंट्रेशन। थर्ड ऑर्डर रहेगा 3-1 तो सी पे पावर 2, इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। नहीं ये जनरल फॉर्म आगे प्रूफ करेंगे अभी nth ऑर्डर में, इसको पे नोट करिए। अब आइए इसी का आपका जनरलाइज फॉर्म कर दिया सेकेंड सेकेंड ऑर्डर तक क्या, अब उसी तरह से थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, किसी का भी करना रहेगा तो उसका एक जनरल फॉर्म बता देता हूँ कि इस पर वैल्यू गेन का कुछ कर देंगे आगे निकल जाएंगे। सेकेंड तक बताएंगे, अब इसी से रिलेट करके आपको आगे का भी बताया जा सकता है, उसमें आप कैसे करेंगे। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए फिर आगे लिखते इसमें किस तरह से रिलेशन होगा आपका, सेकेंड ऑर्डर के लिए अब क्या करिएगा, सॉरी सेकेंड ऑर्डर का तो हो गया था, nth ऑर्डर के लिए
अब आइए इसी का एक जनरल फॉर्म दिखा दूं जिसमें सारे ऑर्डर का एक साथ आ जाएगा आपका रिलेशन। अब आइए nth ऑर्डर, nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एन का वैल्यू क्या हो गया, एन हो गया। इस कंडीशन में आपका एन का वैल्यू एन, इन ऑर्डर रिएक्शन एन ऑर्डर के लिए। चलिए फिर उसी तरह से देखिए करता हूं। अब तो समझ में आ गया कि किस ढंग से करना, एक डिफरेंशियल रेट लॉ, एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे रेट लॉ लिख के फिर दोनों को एक साथ कंपेयर कर कर उसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका रिलेशन आ जाएगा, इंटीग्रेटेड फॉर्म आ जाएगा। फिर देखिए उसी तरह से करता हूं, ए रिएक्शन है और ये कन्वर्ट हो रहा है बी में। अगर आप यहाँ पर टी इजकल टू जीरो लिया, कंसंट्रेशन सी नॉट ये जीरो, फिर टी इजकल टू टी आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन इसका सी टी और ये हो गया बी टी, इसका वैल्यू एक्स हो गया तो इसका क्या हो गया सी नॉट माइनस एक्स। यहाँ तक तो आपका क्या हुआ था, फिर उसी तरह से डिफरेंशियल रेट लॉ, डिफरेंशियल रेट लॉ, यहाँ डिफरेंशियल रेट लॉ में क्या लिख दीजिएगा, देखिए फिर उसी तरह से आर इजकल टू माइनस डी सी बाई डी टी या माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी का लिख दीजिए अब रेट लॉज, रेट लॉज अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे आर इजकल टू के एंड कंसंट्रेशन सी एंथ ऑर्डर का पावर एन या आर इजकल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर एन, ये दोनों तो रेट लॉ ही लिखा हुआ है। अब यहाँ कंपेयर कर लीजिए, दोनों रेट लॉ लिया हुआ है तो किसी के साथ कर सकते हैं आप, इसके इसके साथ करिए, इसको इसके साथ कर दीजिए, कंपेयर कर लीजिए दोनों, दोनों तो रेट लॉ ही हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं माइनस डी सी बाई डी टी इजकल टू के सी पेपर एन, लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या हो जाएगा माइनस डी सी बाई डी टी, डी सी बाई डी टी इजकल टू के सी पेपर एन, ये लिख सकते हैं आप। अब यहाँ पर क्या कर दीजिए, फिर आप जो वेरिएबल है उसको एक साथ कर दीजिए, माइनस डी सी बाई सी पेपर एन इजकल टू के इन टू डी टी, लिख सकते हैं ये, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखिए इसको अलग कर लीजिए, इसको आप अब इंटीग्रेट कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन माइनस बाहर कर लीजिए, क्या हो गया डी सी बाई सी पे पावर एन इजकल टू इंटीग्रेशन के कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेता हूँ के, यहाँ हो गया डी टी, ठीक है। अब इसमें आप रिलेशन देखिए तो यहाँ टाइम क्या लिया था, कहाँ से कहाँ तक था जीरो, तो उसमें कंसंट्रेशन क्या था सी नॉट, टाइम टी तो यहाँ कंसंट्रेशन सी टी, इसका लिमिट क्या था सी नॉट से सी टी एंड टाइम का जीरो से टी, यही वेरी कर रहा था दोनों में। चलिए अब इसी को आगे कर लीजिए, फिर माइनस इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए एक और तोड़ देता हूँ एक बार, सी नॉट सी टी, तो मैं क्या क्या स्ट्रिप तोड़ रहा हूँ ताकि समझने में दिक्कत नहीं हो, इसको ऊपर लेके चले जाइए, सी पे पर माइनस एन डी सी इज इक्वल टू के, यहाँ क्या हो गया टी, अभी रण दीजिए उसी रूप में डी टी, फिर माइनस देखिए इसको अब तोड़ दीजिए, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा इसका, देखिए सी पेपर माइनस वन है ना, लिख सकते हैं सी पेपर माइनस वन प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस वन प्लस वन, क्या लिख सकते हैं ये, समझ रहे किस ऑर्डर में किस फॉर्म से ये हुआ जो है ना, ये क्या माइनस वन प्लस वन, इसको फिर डिवाइड कर दिया माइनस वन प्लस वन से। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या था सी नॉट और ये सी टी, ये सब तो समझ रहे हैं, ये सब तो पहले ही यूज कर चुका हूँ मैं, इजकल टू यहाँ पर लिखिएगा फिर आप के
टी जीरो से टाइम टी तक। चलिए अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। ऐसा करिए, इसको ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, इसको बाहर निकाल लीजिए। क्या हो जाए, वन बाई एन प्लस वन, सॉल्व करना आसान हो जाए, एन माइनस वन, समझे ना। कैसे देखिए, माइनस और ये माइनस, प्लस और ये माइनस, तो क्या हो जाए, एन माइनस वन, ये हो जाएगा, ठीक है, एन माइनस वन, ये तो इधर आ गया। इसको नीचे लिख दीजिए, वन बाई एन माइनस वन, लिख सकता हूँ, सी पेपर माइनस वन है तो वन बाई एन माइनस वन नीचे लिख दिया, ये तो इधर आ गया, निकल गया। इसको फिर आप नीचे लिख लिए, क्या हो गया, सी नॉट और ये सी टी इजकल टू के टी पेपर ए लिमिट जीरो से टी तक। अब इसको फिर देखिए फाइनली, वन बाई एन माइनस वन क्या हो जाएगा, वन बाई सॉरी यहाँ सी छूट गया, ये सी छूट गया था, वन बाई सी पेपर एन माइनस वन। अब इसको फिर क्या लिखेगा, वन बाई देखिए यहाँ कर सी टी कंसंट्रेशन एट टाइम टी एन माइनस वन माइनस माइनस, ठीक है, सी नॉट का ये वन बाई सी नॉट एन माइनस वन, लिख सकता हूँ ना, सी नॉट एन माइनस वन इज इक्वल टू के टी, डायरेक्ट लिख दे समझ आएंगे, या लिखिए लिखिए दे टी माइनस जीरो इस तरह। तो देखिए अब यहाँ पर फाइनली क्या निकल गया आपका, इसको आप लिख सकते हैं, देखिए तो दोनों में वन बाई एन माइनस वन, वन बाई सी टी एन माइनस वन, वन बाई सी नॉट एन माइनस वन इजकल टू के टी, यही तो फॉर्म निकल गया आपका, इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर nth ऑर्डर, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर nth ऑर्डर, यही फॉर्म निकल गया। अब यहाँ प्रूफ करके देख लीजिए ना, n का वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, देखिए तो n का वैल्यू 2 पुट करेंगे क्या हो गया, 2 माइनस वन वन, यहाँ भी देखिए तो 2 माइनस वन तो 1 बाई सी टी, 2 माइनस वन 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 बाई सी नॉट, तो 1 देखिए क्या आ जाएगा, 2 पुट कर दिए तो ये तो 1 आ गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 बाई सी टी माइनस 1 बाई सी नॉट इजकल टू, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, इजकल टू के टी, यही तो आया था सेकेंड ऑर्डर में, ये ना फॉर्म आया था आपका सेकेंड ऑर्डर में। थर्ड ऑर्डर के लिए करिए, एन इजकल टू 3, उसी तरह से 3 माइनस 1 1 बाई टू, फिर यहाँ पर 3 माइनस 1 तो यहाँ पर क्या स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, उस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। ये किसके लिए हुआ, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, जिसका भी निकाला एन का वैल्यू पुट कर दीजिए, आप इंटीग्रेटेड फॉर्म उसका ला सकते हैं, ठीक है, नोट करिए। अब इसी का हाफ लाइफ पीरियड का एक जनरल फॉर्म फिर दिखा देता हूँ, तो आपका ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड फॉर्म जो होगा, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, एंथ ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर का निकाल सकते हैं, और उसका ये कंप्लीट इधर का लेक्चर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड, कि उसका इंटीग्रेटेड फॉर्म में किस तरह से आप लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हाफ लाइफ पीरियड की उसी तरह से आ जाइए, हाफ लाइफ पीरियड, तो हाफ लाइफ पीरियड क्या हो गया, टी हाफ, फिर उसी तरह से लेके चलिए, नहीं यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन एट टी इजकल टू क्या था, जीरो, तो इनिशियल कंसंट्रेशन आपने क्या लिया था, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना आया हुआ था, सी नॉट, एंड टी इजकल टू टी, तो इसमें जो फाइनल कंसंट्रेशन था, नहीं ये फाइनल कंसंट्रेशन क्या था आपका, सी टी, तो इस सी टी का वैल्यू कितना होना चाहिए, कंसंट्रेशन फाइनल का सी नॉट बाई सी टू, तो ओरिजिनल का हाफ होने में जो टाइम कितना लग रहा था टी, तो इस टी को ही नाम क्या देंगे, हाफ लाइफ पीरियड, ओरिजिनल का हाफ होने में जो टाइम लगता है वो उसका हाफ लाइफ पीरियड होता है। चलिए अब यहाँ पर पुट करिए वैल्यू इस इंटीग्रेटेड फॉर्म में, यहाँ से आप टी लिख सकते हैं, देखिए मैं लिखता हूँ टी इजकल टू, ये वाला फॉर्म जो था, ये के को नीचे आ जाएगा, वन बाई के एन माइनस वन,
1 by Ct n minus 1 minus 1 by C naught n minus 1, यही तो बचेगा आपका, यहाँ से लाए T के इधर आ गया, बाकी वो लिख दिया। चलिए अब हाफ लाइफ पीरियड पर यूज करता हूँ, हाफ लाइफ पीरियड तो यहाँ क्या गया 1 by K n minus 1, नहीं फिर देखिए 1 by Ct का वैल्यू क्या लिख दिया C naught by 2, और ये पावर क्या हो जाएगा यहाँ, तो फिर n माइनस वन, n माइनस वन नहीं माइनस वन बाई सी नॉट n माइनस वन, क्या लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखिए फिर हाफ लाइफ पीरियड सी नॉट वन बाई, अब रुक जाए एक स्टेप और आगे, एक एक स्टेप तोड़ कर मैं लिख रहा हूँ ताकि अच्छी तरह से समझ आने जाना चाहिए। अब ये देखिए इसको ऊपर कर दिया तो टू पे पावर एन माइनस वन, टू पे पावर एन माइनस वन, नीचे क्या बच गया सी नॉट, सी नॉट एन माइनस वन, सी नॉट एन माइनस वन, वन बाई सी नॉट एन माइनस वन, क्या लिख सकता हूँ ये। उसी तरह से हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर हो गया वन बाई के, वन बाई के एन माइनस वन, ठीक है। अब इसमें देखिए कॉमन क्या आ गया सी नॉट पे पावर एन माइनस वन, ये दोनों में कॉमन है, इसको बाहर निकाल लेता हूँ मैं, कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर फिर कॉमन ले लीजिए वन बाई के एन माइनस वन, और यहाँ कॉमन क्या निकाल लिया सी नॉट एन माइनस वन, सी नॉट एन माइनस वन इज इक्वल, यहाँ कितना बच गया आपका, इधर फिर आपकी बच गया है ना टू पे पावर एन माइनस वन माइनस वन, ये बच गया, तो यही तो आपका निकल गया पूरे का, है ना। इसको इस तरह लिख देता हूँ, आसान होगा इस तरह समझना, यही आपका निकल गया हाफ लाइफ पीरियड फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड निकल गया। चलिए इसमें आप देखिएगा ek तो कांस्टेंट है, ठीक है, आपको बोला था भी कि जीरो ऑर्डर के लिए क्या था हाफ लाइफ पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कंसंट्रेशन, फर्स्ट ऑर्डर में डायरेक्टली प्रोपोर्शन का, सेकेंड ऑर्डर में इन्वर्सली प्रोपोर्शन का, तो एक रिलेशन लिखा था ना कि हाफ लाइफ पीरियड इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू, या हाफ लाइफ पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वन बाई सी नॉट एन माइनस वन लिखा था ना, उसी को देखिए प्रूफ हो गया। अभी यहाँ के तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो इसके साथ रिलेशन क्या हुआ, ये यहाँ एक दिखाना था इसका रिलेशन, क्या लिख सकता हूँ हाफ लाइफ पीरियड है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वन बाई सी नॉट एन माइनस वन, यही दिखाना था कि हाफ लाइफ पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू सी नॉट पर पावर एन माइनस वन। देखिए अभी किसी भी ऑर्डर का होगा तो हाफ लाइफ पीरियड का रिलेशन उस ऑर्डर का निकाला जा सकता है, ये पहले भी हमने लिख दिया था बट यहाँ nth ऑर्डर में ये प्रूफ भी हो गया। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, ये यहीं तक इसको जाने देता हूँ।